इमरान खान तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया वहां पे पैसे लेने गए हैं सर, और उन्होंने लपेटते लपेटते सर कजाकिस्तान को भी लपेट दिया, जिसके खुद सर अलमाटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो उसकी कैपिटल है वहां पे गैस के प्राइसेस बढ़ गए, तो उनसे भी उन्होंने मांग लिए, फिर चलते चलते रशिया बीच में लपेट लिया। सो इमरान खान इज, जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, ही इज एन एरिया वेपन सर, वो राइफल नहीं है सर, वो आर्टिलरी शेल है, जब वो फटता है तो 10-15 को लेके फटता है, तो उसने चाइना को लेके फटा सर, और फिर साथ में रूस को भी लपेट लिया, कजाकिस्तान को भी, अब तजाकिस्तान वगैरह ये सब भी छोटे मोटे सब बीच में आएंगे सर इनके, कि भैया तुम्हारे पास कितने, अच्छा कितने हैं, अच्छा $1 बिलियन सर, $1 बिलियन नहीं है, 10 मिलियन ही है, चल तू मिलियन ही देते जा जितने हैं, वो कैसे ना गांव मोहल्ले वाली लड़ाई। अब सर ये देखिए कि मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है, बलोचों की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो शायद पाकिस्तान नहीं समझता सर, ये सिर्फ सुई गैस का नहीं है, ये सिर्फ ग्वादर का मामला नहीं है सर, मैं कई बलोचों से बात करी है और खुल के नहीं बोलते लेकिन प्राइवेटली बात बोलते हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में से, लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में है सर, दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी ए सुपीरियर सिविलाइजेशन सर, है ना सर, दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी ए सुपीरियर सिविलाइजेशन, और कहावत भी है सर कि वो क्या कहते हैं कि बलोच फॉर 10,000 ईयर्स, मुस्लिम फॉर 1,400 ईयर्स, एंड पाकिस्तानी फॉर 75 ईयर्स। तो अब आप बलोच का माइंडसेट सर, मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है, इट प्रीडेट्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन सर, ठीक है, लोग कहते हैं कि बलोचों को, आप बलोचों को क्यों नहीं, अरे वो बलोच 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, हम उनको क्या समझाएंगे और वो क्या समझेंगे हमसे, सो दे हैव दैट सेंस ऑफ सिविलाइजेशन विच पाकिस्तान डज नॉट हैव, क्योंकि पाकिस्तान एक नया कॉन्स्ट्रक्ट है, और बाकी सिंध भी पुराना है सर, लेकिन पंजाब में इतना कुछ है नहीं मामला ज्यादा, एक तो ये बात है, दूसरी चीज ये है कि सर जो वसाइल की चोरी है वो उनका मामला है, तीसरी चीज वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जिन्ना साहब ने फौजें वौजें भेज के हमारे ऊपर इलीगली कैप्चर कर रखा है, तो ये सब स्टोरीज हैं सर, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो बलोचों के दिमाग में है। अब देखिए ना सर, चाइना को कि वो जाके क्या स्टोरी सुनानी है, दो डिवीजन इन्होंने खड़े कर दिए सिक्योरिटी के, आपको पता ही है सर, दो डिवीजन खड़े कर दिए, लगभग 20,000 लोग सर, लगभग मोटा मोटी 20,000 लोग स्पेशल पाकिस्तान आर्मी का एक सिक्योरिटी डिवीजन खड़ा कर दिया, वो सिक्योरिटी डिवीजन क्या कर रहा है सर, क्या कर रहा है, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं, ये सारे पाकिस्तानी शोएब अख्तर जैसे बड़े क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, टीवी स्क्रीन पर कहते हैं कि ISI नंबर 1 एजेंसी है सर, वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी, वो कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 आर्मी है, पता नहीं जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती है ना सर, ये मिस वर्ल्ड बन गई, ये मिस यूनिवर्स बन गई, ऐसी कोई कॉम्पिटिशन हुई होगी फौजों में जिसमें, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिसमें ISI कोई फर्स्ट आ गई होगी, इस टाइप का सब पाकिस्तानी बोलते हैं, तो अगर आपकी एजेंसी नंबर 1 है तो ये हमले क्यों नहीं रोक पा रही, क्यों कामयाब नहीं है ये, कि जब कभी कभी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता है, ये तो नंबर 1 है सर, इसके आगे ISI के आगे क्या CIA है सर, क्या रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या रॉ, क्या मोसाद, कुछ भी नहीं, सब पानी भरते हैं सर, ये नंबर 1 है, अगर ये तो नंबर 1 है तो फिर ये रोक क्यों नहीं पा रही है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो कुछ नहीं सर, ये सब ओलंपिक में खेल चलेंगे, खान साहब कुछ और खेल खेलने गए हैं वहां पर सर, खान साहब को दो चीजें करनी है, पहले तो खान साहब ने सर, जब खान साहब इकतदार में आए उन्होंने रज के CPAC को गालियां दी, इट्स ऑन रिकॉर्ड सर, आपको पता है, उन्होंने रज के गालियां दी CPAC को, किस टर्म्स एंड कंडीशंस में है, चोरी है, हम लोग फंस गए, ये कर गए, वो कर गए, बहुत बुरा हुआ, ये दुनिया भर के, इट्स ऑन रिकॉर्ड सर, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं नाम बोल रहा हूं, उन्होंने भी काफी किया, हम सब रीवर्क करेंगे चाइना के साथ, ठीक हो गया, ये इन्होंने पहले ये काफी ड्रामा करा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, CPAC को, जो CPAC को गाली दे रहे हैं अब वो चाह रहे हैं CPAC दोबारा शुरू हो जाए, प्रॉब्लम CPAC की वो नहीं है सर, प्रॉब्लम CPAC की वो नहीं है जो पाकिस्तानी समझ रहा है, जो आम पाकिस्तानी समझ रहा है, आम पाकिस्तानी समझ रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये प्रॉब्लम है कि वहां पे दहशतगर्दी है जिसकी वजह से CPAC आगे नहीं बढ़ रहा है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम सर, द रियल प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान में देर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कमी है, $60 अरब कम पैसे नहीं होते सर, भारत के लिए भी 60 अरब बहुत ज्यादा है, अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा है, चीन के लिए भी बहुत ज्यादा है, $60 अरब चीन ने डाले, कितना रिटर्न मिला चीन को, कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली, कितनी दूध और शहद की नदियां वहां पे बही, जरा हमें कुछ
हमें मत बताइए, पाकिस्तानियों को बता दीजिए ना, हम तो अलग हैं, हमारा हमारा तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें स्टेक्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को बता दीजिए. द रीजन इज दैट टुडे चाइना रियलाइजेस दैट ये जो असेट है ये डेड एसेट है सर, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है. पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट नहीं है जहां से 60 अरब डॉलर आप डालेंगे तो कुछ वहां से निकलेगा, वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है सर पाकिस्तान से. टेररिज्म, यस इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, पर अगर कोई ये बोले कि सीपैक इसलिए रुक गया क्योंकि टेररिज्म थी, राइट, तो ऐसी बात नहीं है. कल अगर टेररिज्म रुक जाएगी ना सर, सीपैक के आधे पैसे तो ये लोग खा गए सर, ठीक है. इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में रही है, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है सर, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सबके सब ने निपटाया है पाकिस्तान को, सबके सब डकैत हैं, चोरियां करी हैं, सब लोग बाहर चले गए. इमरान खान के नाक के नीचे चोरी होती है सर, ये सादिक और अमीन बैठा हुआ है, यू आर अवेयर सर, बोलते आप उसे बेहतर जानते हैं. तो ये सब चीजें हैं सर जो चल रही हैं. अब इनको कोई बाहर वाला फैक्टर चाहिए ब्लेम करने का. सी पैक इतना अच्छा है कि ये ऐसा बोलते हैं, सी पैक ऐसा है कमाल का कि देख के अमरीका अमरीका जल रहा है, इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है. मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सी पैक में जो 60 अरब डॉलर डाले हैं ये 15 साल में डलने हैं ना सर पूरे, ये 15 साल का प्रोग्राम है सी पैक का ना, 15 ईयर्स का, 60 अरब सर. इंडिया में सर 8 महीने में करीब 80 से लेकर 90 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो गया. यानी कि सर अगर आप टोटल लें, इंडिया में दुगना इन्वेस्टमेंट होता है जो पाकिस्तान में चाइना ने 15 साल में करा है ना, इंडिया में एक साल में उससे दुगना इन्वेस्टमेंट होता है. अब इंडिया जल गई, यहूदी जल गए, अमरीकी जल गए, सब जलते हैं इनसे. अब माइंडसेट है सर, इसमें आप और मैं कुछ समझा थोड़ा ना सकते हैं इनको.